अब अगला सवाल देखते हैं, क्या दूसरे मसाले के पीछे नमाज हो जाएगी? सवाल ये है, क्या दूसरे मसाले के पीछे नमाज हो जाएगी? इसमें शायद पूछना ये चाह रहे हैं कि अलग अलग मसलकों के नाम से जो जमातें पाई जाती हैं, जैसे हम्बली हैं, शाफ़ी हैं, मालिकी हैं या अहले हदीस हैं वगैरह वगैरह, तो इनके पीछे नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, या कौन से मसलक के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना चाहिए? तो इस सिलसिले में एक उसूली बात जहन में रखें कि जब तक कोई मसल्ले पे इमाम जो खड़ा है वो मुसलमान है, उसकी तकफीर नहीं की गई है, या वो ऐसी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता है जिसको काफिर करार दिया गया है, तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी। ये जहन में रखें, किसी भी मसलक का इमाम हो, किसी भी मसलक को मानने वाला हो, अगर उसे उलमा ने काफिर डिक्लेयर नहीं किया है, उसको या उसकी जमात को काफिर नहीं कहा है, मुस्तनद उलमा ने, मारूफ उलमा ने उसको काफिर नहीं कहा है, उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगा है, तो कितना ही बुरा हो उसके पीछे नमाज हो जाएगी, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है, किसी के पीछे नमाज हो जाना एक अलग मसला है, और किस शख्स को इमाम बनाना चाहिए ये एक अलग मसला है, ये दोनों मसले अलग हैं। देखिए, एक आदमी किसी ऐसी जगह फंस गया जहाँ पे एक ऐसा आदमी मसले पे कब्ज़ा जमाए हुए है जो बहुत ही बदतरीन है, लेकिन वो काफिर नहीं है, मुसलमान है। अब उसको वहाँ पे जमात के साथ नमाज़ पढ़े या अकेले नमाज़ पढ़े, तो हम ये कहेंगे उसके पीछे नमाज हो जाएगी क्योंकि वो है मुसलमान, उसको नमाज़ वहाँ पढ़ना चाहिए। लेकिन एक दूसरी शक्ल ये बनती है कि एक मस्जिद है, अब मस्जिद की कमेटी है, अब उसके सामने दो तीन चेहरे हैं इमामत के लिए, अब उनको चुनना है कि किसको इमाम सेलेक्ट करें, तो अब इन मस्जिद वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो सिर्फ ये ना देखें कि मुसलमान है, कि भी चार पांच लोग हैं, पांचों मुसलमान हैं, किसी को भी इमाम बना दो, नहीं, बल्कि वो इस्लाम के साथ साथ उनके किरदार को देखें, उनके अकीदे को देखें और बहुत सारी चीज़ों को देखें, जो इमाम अकीदे में, अमल में, किरदार में पूरा उतरता हो, सबसे बेहतर हो, इल्म में, कुरान पढ़ने में, हदीस की जानकारी में, यानी कई लिहाज से, मजमूई लिहाज से सबसे बेहतर नज़र आता हो, उसे इमाम सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मुस्तकिल इमाम बनाने का मसला है, उसी को इमाम बनाना चाहिए। तो ये दो मसले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे फतावे आपको मिलेंगे जिसमें ये कहा गया है कि फासिक फाजिर को इमाम नहीं बनाना चाहिए, ये उलमा ने कहा है। इन उलमा के फतावे को समझने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि इन उलमा ने ये फतवा दिया है कि फासिक फाजिर के पीछे नमाज ही जायज़ नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उलमा ने यह कहा है कि फासिक फाजिर को इमाम नहीं बनाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, जो आदमी बुरा हो, बदतरीन हो, किरदार हो, बद अखलाक हो, उसको इमाम नहीं बनाना चाहिए, हम भी मानते हैं। तो इमाम ना बनाना एक अलग मसला है, और कोई इमाम बन के खड़ा हो गया है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, उसके पीछे नमाज़ पढ़ना ये एक अलग मसला है। तो अगर कोई शख्स मुसलमान है, वो किसी भी मसलक का मानने वाला हो, कैसा भी उसका अमल हो, वो मसले पे खड़ा हो गया है, तो उसके पीछे नमाज़ हो जाएगी। लेकिन जब मसला ये दरपेश हो कि भाई हमारे सामने इख्तियार है कि हम किसको इमाम चुने, किसको इमाम बनाएं, तो ये मसला अलग है, दोनों में फ़र्क करना चाहिए। तो बहरहाल, जो ये पूछा जा रहा है कि दूसरे मसाले के पीछे नमाज हो जाएगी, तो नमाज़ हो जाएगी, कोई भी इमाम मुसलमान है तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी, वो किसी भी मसलक को मानने वाला हो, अगर उसे काफिर नहीं करार दिया गया तो। लेकिन आखिर में ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि हम ये कोशिश करें कि हम उस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ें जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए हम सही ढंग से नमाज़ पढ़ सकते हों, नमाज से मुतल्लिका सारी सुनन पर अमल कर सकते हों। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कई तरह के इमाम हैं, गरचे सबके पीछे नमाज़ हो जाती है, लेकिन फ़र्क होता है, सबके पीछे नमाज़ पढ़ने का फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर एक इमाम है, वो जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ाता है, उसके पीछे पढ़ते हुए आपको कई सुन्नतों की कुर्बानी देनी पड़ती है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा इमाम है कि बड़े आराम से नमाज़ पढ़ाता है, उसके पीछे आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आप सारी सुन्नतों को आराम से अदा कर सकते हैं। तो गरचे दोनों के पीछे नमाज़ हो जाएगी, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप उस इमाम को मुंतखब करें जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ते हुए सारी सुन्नतों पर बहुस्न खूबी अमल कर सकें। तो ये इंतखाब की बात हो तो आप अच्छे इमाम की इंतखाब करें, लेकिन जब फतवे की बात आएगी कि किसके पीछे नमाज़ जायज़ है, किसके पीछे नमाज़ जायज़ नहीं है, तो एक ही बात कही जाएगी कि अगर कोई काफिर है, मुशरिक है, लोगों ने उस पर कुफ्र का फतवा लगा दिया है, उसके पीछे नमाज़ नहीं होगी। लेकिन अगर कोई शख्स काफिर नहीं है, उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगा है, वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसके पीछे नमाज़ हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा।